बात कर रहा हूं अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि ग्रेडियंट ऑफ आ स्केलर फील्ड के ऊपर है कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई जेड तो विच इज इक्वल टू 3x² y - yz² फाइंड द ग्रेडियंट एट द पॉइंट 1, 2, -1। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। क्या करता हूं सॉल्यूशन जब मैं इसका कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, हमारे पास में गिवन है कि फाई जो है हमारे पास में क्या चीज है, फाई जो है फाई गिवन है फाई एक्स वाई और जेड विच इज इक्वल टू किसके 3x² y - yz² के। ओके आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पता है, आपने ग्रेडियंट फाई को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आई करली ओवर में करली एक्स प्लस जे करली ओवर में करली वाई प्लस के करली ओवर में करली जेड। ये आपका फाई यहां था और फाई की वैल्यू आपको गिवन है आई करली ओवर में करली एक्स प्लस जे करली ओवर में करली वाई प्लस के करली ओवर में करली जेड, ये है। और इसकी वैल्यू भी आपको पास में गिवन है क्या है 3x² y - yz² ये हमारे पास में एक वैल्यू गिवन है। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए आई के साथ में करली ओवर में करली एक्स के साथ में, इसको डिफरेंशिएट करना 3x² y - yz² ऐसी प्लस जे करली ओवर में करली वाई और ये हो गया 3x² y - yz² और लास्ट टर्म है के करली ओवर में करली जेड 3x² y - kyz² ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम है। अब आपको केवल डिफरेंशिएट करना है x के साथ में, तो i हमारे पास में आ गया, x के साथ में करेंगे तो x हमारा यहाँ है तो ये आ जाएगा 6x 3 × 6 xy बाकी ये 0 हो जाएगा x के साथ में अगर मैंने किया, प्लस यहां पे मैं y के साथ में करूंगा तो y के दो टर्म है तो j और ये जो दो टर्म रहेंगे y के साथ में y1 तो ये आ जाएगा 3x² - और y का 1 हो गया z² और फिर मैं बात कर रहा हूं k के साथ में इसको करूंगा इट मीन z के साथ में करूंगा ये 0 क्योंकि इसमें z नहीं है और ये आगे z इसका मतलब -k 2yz। डिफरेंशिएशन करना सभी को आता है। अब आपको क्या काम करना, आपको पॉइंट गिवन है x = 1, y = 2 और z = -1 ये पॉइंट आपको यहां पर गिवन है तो हमें इन पॉइंटों पे इनको निकालना है। तो जब मैं आपको i की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 6 × 1 × 2 ओके प्लस j के साथ में अगर करूंगा 3 × 1² माइनस z का मतलब क्या है -1² ये हो गया और उसके बाद में के साथ में अगर मैं करूंगा -2 × 2 × -1 अब इसको हम कर लेते हैं 6 × 1 × 2 ये हो गया 12i उसके बाद में हम कर रहे हैं 3² और ये -1 मतलब +1 फिर माइनस का ये आ जाएगा प्लस के 2j और लास्ट में आ जाएगा 2 to the 4 प्लस के क्या आ जाएगा 4k। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है ये है ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू। ऐसे प्रॉब्लम आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, दिस इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एग्जाम्पल। अभी एक प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट आर, ठीक है वेयर आर इज अ पोजिशन वैक्टर। आर हमारे पास में क्या है पोजिशन वेक्टर है तो हमें मीनिंग बताना है कि ग्रेडियंट ऑफ आर है क्या चीज, ठीक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब निकल कर क्या आएगा वेरी इंटरेस्टिंग आंसर आएगा इसका। तो हमें बिल्कुल गिवन है वेयर आर इज अ पोजिशन वेक्टर। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में जो करते हैं लेट आर बराबर क्या चीज है आर इज अ पोजिशन वेक्टर तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा पोजिशन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिस इज द पोजिशन वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालू क्या निकालू मैग्नीट्यूड ऑफ आर
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जब मैं इसका निकालता हूँ आर मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू आर, तो इसका रूट हो जाएगा द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ये इक्वेशन नंबर 2। ये पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, इस आर का मीनिंग क्या है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या है, आर ये है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर क्या आता है। ग्रेडियंट की वैल्यू आप सभी को बताए, कर्ली ओवर में कर्ली एक्स प्लस जे, कर्ली ओवर में वाई प्लस के, कर्ली ओवर में कर्ली जेड। ओके ये हो गया। और आर आपको पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो ये इनका डिफ्रेंसिएशन करना है कि किस तरीके से आप इसको करोगे। सबके साथ में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आई कर्ली ओवर में कर्ली एक्स। ओके क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ओके ऐसे जे के साथ में लिखोगे, कर्ली ओवर में कर्ली वाई क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। सिमिलरली ऐसे क्या लिखोगे, के की बात कर रहा हूं मैं, कर्ली ओवर में कर्ली जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये है। तो आपको केवल एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई के साथ में करना है, यहाँ जेड के साथ में करना है, बाकी सभी पैरामीटर क्या होंगे, जीरो होंगे। पहले तो पूरे टर्म के साथ में करना है, तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन, मैंने आई बाहर लिख दिया, एक्स की पावर एन का मतलब क्या, एन एन मीन्स 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 n-1, तो इसका मतलब 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2, क्या जाएगा -1/2 इन टू में, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x। ऐसे ही सभी में आएगा, जब मेरे पास में क्या जाएगा, सभी के अंदर ये आ जाएगा इन टू में 2x। बिल्कुल सेम ऐसे j के साथ में लिखो 1/2, और क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या, -1/2 इन टू में 2y। ऐसे प्लस k के साथ में लिखो, के साथ में भी लिखोगे 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और क्या आ जाएगा 2k। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ये पावर बाहर कॉमन आ जाएगी। तो जब ये बाहर कॉमन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमारे पास में ये ब्रैकेट में बन जाएगा। और ये क्या था, हमारे पास में आर वेक्टर था। तो इसको जब हमने ग्रेडियंट ऑफ आर लिखा, ग्रेडियंट ऑफ आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। इट मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर विच इज द आर कैप। तो ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेडियंट ऑफ आर विच इज इक्वल टू एन कैप, ठीक है, और ये आ जाएगा जी आर ए डी, ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू आर कैप। तो ये यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। देखिए ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है, अब नहीं पूछी जाएगी, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तब वहां पे आएगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये आ गई है। अभी और डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल आपके ग्रुप में भेज दूंगा।